हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज जो दुबई का मॉर्निंग आपको दिखाएंगे, मरीना बीच का, तो और काफ़ी अच्छा लगता है दुबई का नज़ारा सुबह का कुछ और। तो फर्स्ट टाइम सुबह मरीना बीच जाएंगे और देखेंगे वहाँ का व्यू कैसा लगता है, लोग कैसे दिखते हैं। तो वीडियो के बीच में मिलते हैं, चलिए वीडियो के आगे में मिलते हैं। तो इतने दिनों को क्या होता है कि आदमी काम करता है, थक जाता है। थक के बाद क्या होता है, थोड़ा को माइंड को रिलैक्स देने के लिए थोड़ा यहाँ वहाँ घूम लेते ताकि रिलैक्स फील हो, और इसके लिए जा रहे हैं। कुछ नहीं है जो भी है। अगर आप भी मरीना बीच जाना चाहते हैं, अगर GLT में है तो GLT 1 में आपको सबसे पहले एक ब्रिज है, वो रोड जो देख रहे हैं रोड, और ये ब्रिज जो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करके आगे सीधा ठीक यहाँ पर आपको GLT 2 है, यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ से आपको सीधा जाके ये राइड होकर जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। जैसे कि हम जा रहे हैं, आपको पूरा फुल इंस्ट्रक्शन भी दिया जाएगा इस वीडियो में कैसे जाना होता है। क्रॉस GLT 2 जब क्रॉस करेंगे, ये मेट्रो स्टेशन आएगा आपको, DMCC मेट्रो स्टेशन है सामने में। तो मेट्रो स्टेशन क्रॉस करके वो उस पार जाना है आपको, ब्रिज के उस पार, तो आपको फिर मरीना का ही आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सुबह मॉर्निंग का जो है व्यू, जो देखिए काफ़ी खूबसूरत व्यू है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। देखिए गाड़ी आती है यहाँ, 3-4 अलग बाइक करके, ये है आपका रोड है गाड़ी पास होने का, और ये DMCC मेट्रो स्टेशन है। तो इस मेट्रो स्टेशन के अंदर से क्रॉस होकर हमें उस पार जाना होता है, और काफ़ी लंबा मेट्रो स्टेशन है, और ये इसका बाहर का कुछ व्यू देखने को आपको मिलेगा। तो हमें इस मेट्रो स्टेशन के बाहर जाना होगा, और यहाँ पर देखिए ये रोड पहले नहीं था यहाँ पर, तो यहाँ भी एक न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का। अब बाहर आएंगे तो यहाँ पर एक साइकिल का स्टैंड मिलेगा आपको, यहाँ पर रेंट पे भी चला सकते हैं, आपको डिजिटली पे करना पड़ता है। और इसके ठीक ये रास्ता से आपको आना है, ठीक टर्न लेना है, राइट टर्न लेकर ये रास्ता से आपको, रास्ता और रूट बहुत सारे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है कि उस रूट से भी आप जा सकते हैं, ये नया रूट है, मतलब नया नहीं है, रूट बहुत पहले का ही है, तो हम लोग अब ये रूट से जा रहे हैं। तो सुबह का वक्त है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये रेस्टोरेंट के अंदर जाया जाए और थोड़ा चाय पिया जाए। तो ये रेस्टोरेंट सामने मिला हम लोग को, मरीना दुबई मरीना के नाम से है। तो हम लोग अब इसके अंदर जाएंगे और चाय टेस्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा चाय पीने के बाद थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, तो जाने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक गर्मा गर्म सुबह का चाय हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। और ये रेस्टोरेंट देखने में भी काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है, छोटा सा है और देखने में काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा है। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, और ये देखिए गर्मा गर्म चाय आ गया, चाय का कप। तो हम लोग यहाँ से चाय पीकर ठीक है यहाँ से अब रवाना होंगे। तो सुबह का चाय का पीने के बाद हम फिर से बाहर की तरफ निकलते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी दूर है मंजिल, क्योंकि काफ़ी थोड़ा, मतलब अगर आप पैदल चल के जाएंगे तो 20 से 30 मिनट करीब लगता है जाने में। तो वह हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं। फाइनली हम मरीना में इंटर हो चुके हैं, और बीच ठीक इसके थोड़े से अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ का कुछ व्यू देखिए आप। तो ये देखिए इसका ब्यूटीफुल जगह, घोड़े वगैरह, मतलब स्टैचू, गेंदा वगैरह का, ये सब का स्टैचू बनाया है। और ये देखिए आसपास का इसका व्यू जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर यह हर किस्म की, मैंने पहले भी बताया कि हर एक वैराइटीज़ की कार्स, बाइक वगैरह, BMW, फरारी, लंबरगिनी, मतलब बहुत सारी कार्स आपको यहाँ पर आम है, देखने को मिलती हैं यहाँ पर जी। और ये देखिए मेरे वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, तो बहुत ही शानदार जगह है। तो ये है मॉर्निंग का व्यू है मरीना बीच का, और काफ़ी लोग यहाँ पर सुबह में बीच का मज़ा लेने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। तो ये सितंबर का महीना भी है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। और आप बीच में ठीक इंटर करेंगे तो देखिए सामने में राइट साइड में आपको एक हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा। तो ये भी एक
सोचने वाला बात है। तो इन लोगों ने ऐसा बनाया है, बना के रखा है, तो काफ़ी अच्छा, शानदार है, लाजवाब है। अब हम बीच के करीब है। लाइफ का एक सिग्मा रूल भी ये भी है कि आप ज़िंदगी में जब तक लाइफ का एक्सपीरियंस, मतलब कुछ गलती नहीं करते हैं, कुछ ये नहीं करते हैं, खुद सीखते हैं ना कि दूसरे के बातों से, तो आप जो भी गलती करते हैं उससे सीखा करिए। और काम तो ज़िंदगी भर रहेगा, काम में से कुछ पल अपने लिए भी निकालिए, तो ताकि ज़रूरी होता है कि ज़िंदगी भर सिर्फ काम ही ज़रूरी नहीं है, लाइफ को जीना भी ज़रूरी होता है। और ये भाई साहब को देखिए, आराम से थक गए हैं लगता, पूरा मज़ा लेते हुए समुंदर के बीच का पानी, का पानी को अपनी बॉडी में चुआते हुए काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, आराम से रिलैक्स करते हुए नज़र आते हुए दिख रहे हैं। तो बात ये है कि ये देखिए, आपको दुबई एन या फिर आप उस पार समुंदर के उस पार जाएंगे तो दुबई आइस लैंड आपको देखने को मिलेगा, वो व्हील देखने को मिलेगी दुबई एन की, वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी फेमस जगह भी है। तो उस पार का भी वीडियो मैंने काफ़ी बनाया है, अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे तो देखेंगे उस साइड का भी वीडियो, और उस साइड से इस साइड का नज़ारा भी आपको कैसा लगता है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारे टूरिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ पर आप बीचेस पर नहाते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं दिन का, और काफ़ी मज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये होता है इन लोग, तो यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, काफ़ी तादाद में आते हैं नवंबर से लेके फरवरी तक का, उस वक्त तो टूरिस्ट भर भर के आते हैं, बोले तो किलो किलो के, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। यहाँ बहुत ही फेमस जगह है ये मरीना बीच, अगर आप हैं तो ये जगह आए हैं और यहाँ पर नहाए नहीं, स्विमिंग नहीं किए, तो फ़ायदा क्या, तो ज़रूर आइएगा। और ये काफ़ी खूबसूरत ये है, मैंने रात का भी इसका वीडियो बनाया है, अगर चाहे तो आप मेरे वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं उसका नाइट का व्यू कैसा लगता है। तो ये अभी मॉर्निंग का व्यू है, वीडियो जो है ये भी काफ़ी खूबसूरत है, मतलब इसका नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिलता है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट वगैरह हर कंट्री के। तो अब तक का ये रहा सफ़र, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।